ऐश्वर्या, आप क्या तस्वीर और अपडेट दर्शकों को पहुंचाएंगे, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है, कांग्रेस ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, और क्या तस्वीरें और क्या जानकारी इस वक्त? देखिए, आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले 24 घंटे से लड़ाई जो हो रही थी वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही थी। कांग्रेस को शायद ऐसा लगा कि इस पार्टी के अंदर उनको एक मौका मिल रहा है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, और देखिए कोशिश वही है। दिखा दें आपको बैरिकेड, ये है आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली के अंदर, इसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। हम आपको और भी दिखाएंगे, बैरिकेड्स को दूसरी तरफ भी लगाया जा रहा है, पुलिस की तैनाती है यहाँ पर, क्योंकि लग रहा है कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। देखिए आपको पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे लगातार नजर आएंगी, वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो बैरिकेड्स का किया जा रहा है। कुछ ही देर के अंदर इस जो एक जिस तरीके से किले को कर दिया जाता है उस तरीके से ये पूरा जो रास्ता है ये बहुत क्रूशल रास्ता है, आईटीओ के ऊपर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, इसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए रोड की दूसरी तरफ जाएंगे इस तरफ, और आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है। 10:30 बजे का समय है, हो सकता है 10:30 बजे प्रदर्शन ना शुरू हो, लेकिन ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ये यहाँ पर जोरों शोरों से चालू है, और हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी भारी तादाद के अंदर आज आम आदमी ऑफिस के दफ्तर के बाहर। और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या सिर्फ कांग्रेस के आम कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं विरोध प्रकट करने के लिए, प्रदर्शन के लिए, या फिर कोई बड़े नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं जो लीड करने वाले हैं? देखिए बहुत बड़े नेताओं की बात करें तो अभी तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि शायद बहुत बड़े नेता आए, लेकिन दिल्ली के नेता जरूर यहां पर आएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। हमने पिछली बार भी देखा था जब ये मामला उठा था तो कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो सब यहां पे पहुंच गए थे, और अभी भी जिस तरीके की तैयारी कर रही है उससे यही लगता है कि प्रशासन को लग रहा है। ये देखिए बैरिकेड एक और हम आपको दिखा दें, यहां से मूव किया जा रहा है, ये सब मूवमेंट किया जा रहा है। 10:30 बजे का समय था और कोशिश यही है, अब कांग्रेस को भी देखिए अपनी जो सियासी रोटी है उसको भुनाना है, और ये मामला जो है ये करप्शन का इस समय सामने आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया उन्होंने करप्शन किया है, तो कहीं ना कहीं करप्शन के मुद्दे को लेकर ही हमें नजर आएगा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी आएगी। दूसरी बात, हो सकता है कि आज हमको यहां पर कुछ चीजें भी नजर आए, पिछली बार जब कांग्रेस यहां पर आई थी तो वो एक गधा भी लेकर आई थी और उसके ऊपर पुतले बैठाए गए थे, तो ऐसा कुछ भी अब से कुछ ही देर के अंदर हो सकता है देखने को मिले। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा हम रुक करेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहे, हिमांशु आपका रुक कर रहे हैं, और अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। आप सभी दर्शकों को जानकारी हमारे तमाम सहयोगी इस पर पल पल दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में किस तरह से वार पलटवार हो रहा है, ये मामला लगातार सियासी रंग ले रहा है, क्या कुछ कह रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आपको हम सुनवाते हैं मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया और साथ ही प्रवेश वर्मा की प्रतिक्रिया। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं, पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं, हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं, हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत ही अपना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन सारे लोगों को जानता हूं जो ये सारे लिकर माफिया हैं और ये सारी गेम में इन्वॉल्व थे, और वो खुद ही आकर सीबीआई को ये बात बता चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो अपना हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो अपना सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबरा होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था, एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट है वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था, उसका जो मालिक था वो सारा दिल्ली का कलेक्शन करता था, 6% ही अपना किकबैक लेते थे, कोई यहाँ पे ओखला में वेयर हाउस था वहाँ पे सारा पैसा जाता था, वहाँ से गोवा और पंजाब में ट्रांसफर करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। तो आपने सुन लिया किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। इस वक्त हमारे 3 संवाददाता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, अमित नजर आ रहे हैं सिसोदिया के घर से बाहर और आप दफ्तर से जुड़े हुए हैं हिमांशु, और साथ ही आप दफ्तर से मौजूद हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या एक बार फिर से आपका हम रुख कर लेते हैं, अब क्या गतिविधि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वक्त तो अब नजदीक आ रहा है, 10:30 बजे बुलाया गया था कि विरोध प्रदर्शन होगा और बहुत कम वक्त बाकी है, तो अभी किस तरह से पुलिस व्यवस्था, चाक चौबंद, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था? देखिए आपको शुरुआत करूंगी तस्वीरें दिखाने से, हम खड़े हैं ठीक आम आदमी ऑफिस के दफ्तर के बाहर, पुलिस आपको काफी भारी तादाद के अंदर यहां नजर आएगी,
बैरिकेड कर दिया गया है, जो मेन रोड है, जो मेन गेट है आम आदमी ऑफिस का, उसको बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई प्रदर्शनकारी ऐसा ना हो कि ऑफिस के अंदर घुस जाए। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि पुलिस जो है ये पूरी सड़क को इस समय पैक करने के, जो उनका जो लग रहा है इस समय वो यही है कि पूरी सड़क को बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड आपको काफी भारी तादाद में नजर आएंगे। पुलिसकर्मी देखिए सिर्फ सड़क के इसी तरफ नहीं, सड़क के दूसरी तरफ भी इस समय पहुंच चुके हैं, और वाटर कैनन जो वज्र वैन है वो भी आपको दूसरी तरफ नजर आएगी। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भीड़ जो इस समय लग रहा है कि कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी भारी तादाद। जल्दी से एक सवाल ले लेता हूं अमित से। अमित एक बात बताइए, 15 लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज था और 16 उसमें गैप है यानी क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि जांच की आज कहीं और भी पहुंच सकती है क्या? जल्दी से बता दीजिए 5 सेकंड में। जी निश्चित रूप से, वो अननोन पर्सन इसीलिए रखा गया है कि अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ेगी और उसमें जिस तरह से लगेगा कि कुछ नए लोगों के, कुछ नए अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्रूशल इन्वॉल्वमेंट थी, उन लोगों को भी यहां से नामजद किया जा सकता है।